ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर उस समय हंगामा हो गया जब हिंदूवादी संगठनों ने एक युवक और युवती को बाइक पर घूमते हुए पकड़ लिया। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि लड़का मुस्लिम और लड़की हिंदू है। लड़की बिना परिजनों को बताए लड़के के साथ घूमती हुई पाई गई है। इसे हिंदूवादी संगठन लव जिहाद के मामले से जोड़ रहे हैं। फूलबाग चौराहे पर पकड़े गए युवक युवती को हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पड़ाव थाने लेकर पहुंचे। बाद में पुलिस ने युवक और युवती के परिजनों को थाने पर बुलाया, उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के फूलबाग चौराहे पर हिंदूवादी संगठन आज मेवात में हुई घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान हिंदूवादी संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने जब एक युवक और युवती को संदिग्ध परिस्थितियों में बाइक से जाते हुए देखा था, उन्हें फूलबाग चौराहे पर रोककर उनसे पूछताछ की गई, जिसमें हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि युवक मुस्लिम समाज का निकला है, युवती हिंदू समाज की थी। जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी दोनों युवक युवती को लेकर पड़ाव थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। थाने में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने जब युवक युवती के परिजनों को मौके पर बुलाकर उनसे पूछताछ की तो उसमें पता लगा कि युवक मूलतः आगरा का रहने वाला है। ग्वालियर के सेवानगर इलाके में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुका हुआ है और उनके घर के सामने ही युवती रहती है। उनके परिजनों को पूरी घटनाक्रम की जानकारी देते हुए पुलिस द्वारा मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। क्या घटना हुई? नाम अभी हम फूलबाग पर रहना सभी संगठन मिलकर मेरा नाम मिथिलेश अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष दबंग हिंदू सेना से दुर्गा भाई। अभी हम लोग सभी संगठन मिलकर हमारे दबंग हिंदू सेना के सभी पदाधिकारी मतलब आए हुए हैं। अभी समय गौरव सिंह भदौरिया संगठन मंत्री हमारे, हाँ ये सभी लोग आए हुए हैं, संजीव बाबा जी और बिमले जी। तो हम लोगों ने वहाँ पोतरा दहन किया, जो अभी हरियाणा में मेवात के जो हमारी एक शो यात्रा जो निकल ली जा रही थी उसमें वहाँ के मोहम्मदनों ने इस्लामी लोगों ने वहाँ पर एक हंगामा किया, उन लोगों पे लाठी चार्ज मतलब एक तरह से गाड़ियाँ जलाना, मतलब ऐसी चीज़ें जो नहीं होना चाहिए थी हिंदुओं के साथ, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ही मतलब एक पाकिस्तान बना के रख दिया है उन्होंने। तो इस वजह से आज हमने उनका पुत्र दहन किया। आज ने अभी है ना हम SP साहब को है ना अपना आवेदन भी देंगे। जो शनिचरा पे मेवाते जो होटल बने हुए रेस्टोरेंट वहाँ पर हमें खबर मिली है कि कई गऊ हत्या होती है, जो वहाँ पर नॉन वेज दिखता है वो गऊ का होता है। तो हम वहाँ पर भी है ना रोक लगाने की कोशिश करेंगे, एक आवेदन देंगे प्रशासन कड़ी। आज की जो मेरी जानकारी में यह है कि यहाँ पर अभी एक स्थानीय कार्यक्रम था फूलबाग पर, यहाँ विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में और क्रांति गांधी हिंदू दल उसके तत्वाधान में मेहाती घटना को लेकर एक पत्र दहन किया जा रहा था। और उसके बाद में एक युवक और युवती जो फूलबाग से निकलते हुए नजर आए, इन लोगों ने जब पूछताछ की है तो लड़की ने अपना जो नाम बताया वो हिंदू उससे प्रतीत होता था और लड़के के नाम से मुसलमान प्रतीत होता था। तो इन लोगों के द्वारा जब ये बताया गया तो लोगों ने पकड़ कर उनको सपोर्ट तो पुलिस ने किया, तो पुलिस ने पूछताछ कर रही है लड़का कहाँ से आया क्यों आया है इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं, और दोनों के बीच दोनों मतलब वहाँ पर क्या कर रहे थे इस बारे में पूछताछ की जा रही है। कुछ पता चल पाया शुरुआती दौर में कि लड़का कहाँ का रहने वाला है, कुछ बातचीत आपकी जैसे की हुई, और फिर दोनों की एक बालिग है या नाबालिग है क्या है? दोनों बालिग हैं, लड़की की उम्र लगभग 22 साल है, लड़का की उम्र लगभग 21 साल है, और लड़के के अभी कागज मंगवाए जा रहे हैं, लड़के के माँ बाप से बात कर ली गई है। लड़का आगरा का रहने वाला है और जूते की फैक्ट्री में काम करता है, और उसके चचेरा जो चाचा रहते हैं वो यहाँ पर सेवानगर में रहते हैं, और जो लड़की सेवानगर की रहने वाली है उनके आसपास में उनके आमने सामने मकान बने हुए हैं, और लड़की की माँ भी काम करती है आमने सामने से रहने से उनका परिचय है। लड़की की माँ लड़की के परिवार पूरे लड़के के बारे में जानते हैं। अब उस संबंध में लड़की के द्वारा कुछ कहा जा रहा है कि मेरे को एक झुंड ने मेरे ऊपर हमला किया है, अभी उससे पूछताछ की जा रही है।